नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एमसी चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और ये तकनीक बहुत ही जल्दी पूरे देश में लागू होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसकी एक झलक देख लेते हैं कि आखिर ये कौन से अपडेट हैं, इसके बारे में हम लोग बेहतर डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक न्यूज़ अपडेट आए हुए हैं कि दुनिया का पहला देश बनेगा सिंगापुर, जहाँ फोटो आईडी नहीं बल्कि चेहरा दिखाना होगा। जहां एक तरफ यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और ना जाने कई तरह के पैन कार्ड वगैरह जांच किए जाते हैं, वहीं यहां पर एक नए आविष्कार किए गए हैं जिसके तहत कि अब आपको कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस चेहरा दिखा के आप वेरीफाई हो जाएंगे कि आपके जो भी डिटेल्स हैं वो उनके पास अपडेट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 2022 तक देश भर के सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में फोटो कियोस्क लगेंगे। ये 2022 तक यानी कि सिंगापुर में लग जाएंगे और जल्द ही ये भारत में भी आने की संभावना, यानी कि जब एक देश कोई सक्सेसफुल हो जाते हैं किसी भी आविष्कार में तो वो धीरे धीरे करके आगे सभी जगह लागू होते जाते हैं। तो यहाँ हमने देखते आगे हम लोग कि अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और बैंक में खाता खुलवाने जैसे कामों के लिए फोटो आईडी की जरूरत पड़ती थी, वहां पे आधार कार्ड वगैरह लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में फोटो आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अभी सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां किसी भी काम के लिए फोटो आईडी नहीं बल्कि चेहरा दिखाना होगा। वहां पे किसी प्रकार के आईडी की आवश्यकता वहां पे नहीं होगी, सेल्फ जो फेस अपना दिखाएंगे वही उनके लिए आईडी है। सिंगापुर की सरकार ये फेशियल रिकग्निशन तकनीक पर काम कर रही है। इसके तहत देश भर के सरकारी और निजी दफ्तरों में फोटो कियोस्क सिस्टम लगाए जाएंगे जहां चेहरा मात्र दिखाने से आपका काम हो जाएगा। कियोस्क में देश भर के नागरिकों की पहचान और पता समेत पूरी जानकारी होगी, यानी कि इस देश में कितने लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उनके पास एक डेटा रहेंगे। जैसे कि कोई भी इंसान द्वारा कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी की जाए तो उन्हें तुरंत डिटेक्ट किया जा सकेगा क्योंकि उनके बारे में सभी जानकारी उनके पास अवेलेबल होंगे। यहीं देख सकते हैं 2022 तक देश भर में ये सुविधा लागू हो जाएगी। और हालांकि अभी जो वर्तमान में इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए नागरिकों को सिंग पास नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुविधा शुरू होने से लोगों का समय बचेगा और साथ ही जो कोरोना वायरस जैसा संक्रमण भी यह भी दूर रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर में यह काम स्मार्ट नेशनल के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विवियन बाल कृष्णन, यानी डॉक्टर विवियन जो बाला कृष्णन है, इनकी देखरेख में यह कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर बाला कृष्णन भारतवंशी हैं और उन्होंने कहा है कि सिंगापुर की आबादी करीब 58 लाख है और यह तकनीक शुरू होने पर देश के नागरिकों का पूरा डेटा सरकार के पास रहेगा। इससे बहुत से फायदे मिलेंगे क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कहीं पे कोई घटना वगैरह होते हैं तो इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है। यदि प्रत्येक जो भी वहाँ पे रहेंगे जितने भी लोग उनके सभी डेटा उनके पास यदि अवेलेबल हैं तो उन्हें खोजने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे फेस जब स्कैन किए जाएंगे कहीं पे भी, जब सीसीटीवी वगैरह से जो भी चीज़ से निगरानी किए जाएंगे किसी भी जगह पे, तो उनके फेस को डिटेक्ट किया जा सकता है यदि कोई भी घटना कहीं पे भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छे किए जा रहे हैं तकनीक का आविष्कार। यदि ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये आगे चल के भारत में भी लागू होंगे और अन्य देशों में भी ये लागू होने की संभावना है। तो ये अभी फिलहाल ट्रायल चल रहे, इसमें सफलता मिलने के बाद ही और सभी जगह पे लागू होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे प्रमुख होटल और पर्यटन स्थलों पर किए गए ट्रायल में मिली सफलता। यहाँ पे अभी तक इन्होंने ट्रायल किए हैं, इनमें बहुत से सफलता इन्हें देखने को मिले हैं और आगे इस पे कार्य जारी है। आगे यदि इसमें और सक्सेस मिलते हैं तो ये पूरे भारत में और पूरे देश में ये लागू हो जाएंगे। फेस के द्वारा ही अब सब कुछ स्कैनिंग होंगे। जैसे कभी अभी आपने देखा होगा कि आधार कार्ड यदि किसी के खो जाते हैं तो फेस स्कैन के द्वारा आधार कार्ड को दोबारा निकाला जा सकता है। आंख वगैरह क्योंकि उसमें दिए रहते हैं, जब आप लोग आधार कार्ड बनवाते हैं उनमें पूरा फिंगरप्रिंट जितने भी आपके हाथ के हैं वो 10 उंगली के लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो रेटिना है इन्हें भी स्कैन किया जाता है। तो इस तरह से आप फेस जो हो जाएंगे डिटेक्टिंग यहाँ पे सिस्टम, तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। हालांकि इसके लिए अभी बहुत से कार्य करने होंगे क्योंकि बात करें हम लोग यहाँ पे सिंगापुर की, तो सिंगापुर की अभी कम आबादी है, यहाँ पे लगभग 58 लाख है, तो यहाँ पे करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
परंतु बात हम लोग भारत की करें या और किसी कंट्री की करें तो वहाँ पे कुछ हद तक ये काफ़ी परेशानी बनी रहेगी, वहाँ पे करना बहुत ही मुश्किल है। पर आगे देखते हैं, इस पर जो भी अपडेट आएंगे वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि भारत में भी ये लागू हो जाए तो अच्छी बात है। जितने भी यहाँ पे नागरिक है सभी के डिटेल्स सरकार के पास रहेंगे, कहीं पे भी कुछ भी घटना हो तो तुरंत उन्हें पकड़ा जा सकेगा। इससे सभी प्रकार के क्षेत्र में बहुत ही लाभ मिलेंगे। देखते हैं बाकी जो भी अपडेट हो वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।